हेलो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं होममेड सेरेलेक आपको बताऊंगी कैसे बनाते हैं, मैं अपने बेबी के लिए कैसे बनाती हूँ। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज होममेड सेरेलेक। ये सेरेलेक 7 to 9 month बेबीज़ के लिए है एंड ढेर सारी वेराइटीज़ में बनाऊंगी मैं, अभी जो बना रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैंने यहाँ पे मूंग दाल लिया है, ऑर्गेनिक मूंग दाल एंड अरहर तुअर दाल एंड 1 cup राइस एंड 10 to 12 पीसेस ऑलमंड एंड 10 to 12 पीसेस कैश्यू, जिसे हम काजू बोलते हैं। केशर लिया है मैंने यहाँ पे, 10 to 12 स्टिक लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हैं एंड अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए इसको सोक करेंगे। यहाँ जो भी चीज़ें मैंने यूज़ की है वो सारी ऑर्गेनिक है। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि बेबी के लिए थोड़ा अवेयर होना चाहिए, अच्छी चीज़ें उन्हें खिलाना चाहिए। बिकॉज़ क्या है, कम क्वांटिटी में ही हम उनको जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा पाते हैं वो बहुत ही कम क्वांटिटी में ही उनको लेना होता है। उनकी डाइट जो होती है बहुत ही लो होती है, बहुत ही कम होती है, तो इसलिए हमें जो भी न्यूट्रिशन देना होता है सेफली देना होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ जो भी चीज़ें ली हैं आप देख रहे हो, सारी ये ऑर्गेनिक मैंने ली है। तो अब इसको चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको सोक करना एंड स्टेन करना। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे सारी चीज़ें मैं इसमें एक साथ सोक कर रही हूँ, आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है, जस्ट लाइक ऐसे है। अब चलते हैं स्टेन करने। मैंने इसको 2-3 वॉश प्रॉपर कर दिया। यहाँ पे अब मैं बाउल में आपको बिल्कुल शो होगा कि ये प्रॉपर क्लीन हो गया है या नहीं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे वाटर जो है बिल्कुल क्लीन है। तो अब इसे हम स्टेन करके और इसको ड्राई करेंगे। ड्राई हम एक्चुअली में फ़ैन में करेंगे, बाहर नहीं करेंगे, बिकॉज़ बाहर क्या है डस्ट और इन्वायरमेंट ऐसा है कि वो प्रॉपर तरीके से सेफ़ नहीं है, इसलिए हम आउटडोर नहीं करेंगे, इंडोर ही करेंगे। चलिए स्टार्ट। लेट्स सी दो गाइस, इस तरीके से मैंने कॉटन कॉटन की बेडशीट डाल के यहाँ पे स्प्रेड कर दिया है। बी केयरफुल, स्प्रेड करें जहाँ जिस एरिया में आप स्प्रेड कर रहे हैं वो क्लीन होना चाहिए प्रॉपर। एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल क्लीन है, एंड ये मेरे बेबी का रूम है तो ये प्रॉपर क्लीन है। एंड आपको ये चीज़ का हाइजीन का बिल्कुल भी ध्यान रखना होगा। एंड जहाँ पे आप ये स्प्रेड करो, जिस बेडशीट पे कर रहे हो वो क्लीन होना चाहिए, डिटॉल होना चाहिए प्रॉपर। एंड उसके नीचे आप पेपर, नॉर्मल पेपर डाल दो, बिकॉज़ क्या है वो उसके नीचे की जो जो भी है मैट्रेस है या जो है वो वेट नहीं हो। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल अब पेपर डाल दिया है इस तरीके से। अब इसको थोड़ी देर तक फैन में ड्राई होने देंगे, फिर इसको रोस्ट करेंगे। इसको ड्राई होने देते हैं। ड्राई होने में इसे 30 to 40 मिनट लग सकते हैं, बिकॉज क्या है विंटर वेदर है। ओके, वेट 30 मिनट।